अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के अंदर आप सैम्पल स्पेस गिवन होगा या इसको फाइंड आउट करना होगा और पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड आउट करना होगा। इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल आपके सामने है वो है टॉसिंग अ कॉइन। अगर आप कॉइन को, सिक्के को टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके, या तो आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो टॉसिंग अ कॉइन मींस यू हैव टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल। लेकिन जब एक डाई को रोल करते हैं आप, तो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। कोई सा भी एक नंबर इस डाई को रोल करने में आपके पास आ सकता है। इसी तरह आपके पास 10 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं, तो उन पे नंबर मार्क किए गए हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 10 कार्ड्स हैं, 11 से लेकर 20 तक इन पे नंबर मार्क कर दिए गए हैं। तो इसका जो पॉसिबल आउटकम्स है, जब इन कार्ड को, इसमें से कोई भी कार्ड इसमें से निकाला जाएगा, तो अगर आपको नहीं पता, रैंडम ऑर्डर में निकालते हैं आप, तो कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स इसमें 10 हैं और उसमें से कोई भी एक कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह एक बैग है जिसमें 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं इस बैग के अंदर। अगर इसमें आप कोई भी एक बॉल रैंडमली निकालते हैं, आपको नहीं पता कौन सी बॉल आप निकालने जा रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स इसमें 5 है, क्योंकि 2 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं। और पॉसिबल आउटकम्स के बाद देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। वर्क्ड एग्जांपल है पेज नंबर 423 पर। तो इस एग्जांपल में आपसे कह रहे हैं कि फेयर डाई इज़ रोल्ड, एक डाई को रोल किया जाता है, राइट डाउन द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस कितना होगा इस डाई के ऊपर, 6 नंबर मार्क किए गए होंगे। तो जो इसका जो पॉसिबल आउटकम है वो 6 है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये 6 इसका आउटकम है। अच्छा, आउटकम के बाद हम देखते हैं, अब बात करते हैं आउटकम के बाद प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अब ये जो एग्जांपल है यहाँ पर पेज नंबर 428 पे दी गई है ये एग्जांपल। तो इसमें आपसे कह रहे हैं, ये वर्ड एग्जांपल है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे 15A पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 12 कार्ड्स। एक बॉक्स के अंदर 12 कार्ड्स हैं जिन पे नंबर मार्क किए गए हैं 1 से लेकर 12 तक। 12 कार्ड्स हैं, सबसे पहले कार्ड पे 1 मार्क नंबर मार्क किया गया है और सबसे लास्ट वाले पे 12 किया गया है। 12 कार्ड्स हैं आपको। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ 7। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि 7 आने के चांसेस इसमें क्या हैं, जो ये जो कार्ड हैं रैंडमली निकाले जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा। तो इसमें 7 नंबर आने के चांसेस कितने हैं अगर इन 12 कार्ड में से आप पिक करते हैं कार्ड बगैर देखे, विदाउट सीइंग। तो सबसे पहले तो इसमें ये करना होगा, पॉसिबल आउटकम जो है वो 12 है, क्योंकि 12 कार्ड्स हैं तो 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसमें 7 आने के चांसेस जो हैं वो 12 में से 1 है, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड सिर्फ एक ही है। ओनली 1 कार्ड इज़ देयर ऑन विच 7 इज़ मार्क्ड। 7 एक कार्ड पे मार्क है तो उसके आने के चांसेस 1 है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड 7 आउट ऑफ 12 इज़ 1/12। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 12 हैं और उसमें से 7 के आने के चांसेस, अगर 12 में से कोई सा भी एक कार्ड रैंडमली निकालना हो तो 7 के आने के चांसेस 1/12 हैं, यानी 12 में से 1 है। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि एन इवन नंबर। अब इस टोटल जो टोटल स्पेस है उसमें जो इवन नंबर्स हैं, जो कार्ड मार्क किए गए हैं 1 से 12 तक, तो उनकी मार्किंग अगर नोट करते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक ये जो नंबर हैं ये इवन नंबर हैं। तो इसमें से, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास इवन नंबर आने के चांसेस 6 हैं, या तो नंबर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, 8, 10 या 12। तो टोटल स्पेस 12 है, क्योंकि 12 कार्ड्स हैं और उन पर नंबर 1 से लेकर 12 तक हैं। लेकिन उनमें से इवन नंबर आने के चांसेस, जो कि सेकंड पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो 1 से 12 तक जो इवन नंबर हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इवन नंबर आने के चांसेस 6 हैं।
तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर आउट ऑफ 12 विल बी 6/12, तो 12 में से 6 आने के चांसेस हैं, क्योंकि 6 इवन नंबर हैं 12 में, तो 6 चांसेस हैं आपके पास। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो 1/2 हो गया। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने के चांसेस कितने हैं अगर आप इसमें से कार्ड निकालते हैं 1 से लेकर 12 तक, तो हाउ मेनी चांसेस यू हैव। तो टोटल प्राइम नंबर जो इसमें अगर आप मार करते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 2, 3, 5, 7, 11, ये वो नंबर्स हैं जो के प्राइम नंबर हैं, और इन कार्ड पे जो मार्क किए हैं ये उसी की रेंज में हैं, 2, 3, 5, 7, 11। तो इनमें से किसी नंबर के आने के, प्राइम नंबर आने के, इन 5 में से कितने चांसेस हैं, 5/12, यानी टोटल कार्ड्स 12 हैं और प्राइम नंबर आने के चांसेस प्राइम नंबर 5 हैं, तो 5/12 हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी एक कार्ड निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं उसमें से 12 कार्ड में से, तो परफेक्ट स्क्वायर आने के चांसेस कितने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हैं कितने यहाँ पर, यहाँ पर 1 से लेकर 12 में परफेक्ट स्क्वायर है 1, 4 और 9, यानी वो नंबर जो किसी और नंबर को 2 times मल्टीप्लाई करने से अचीव होंगे, ऑब्टेन होंगे, वो कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। अगर इसके बाद 1 × 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 के बाद अगर हम ले लेते हैं 5, 5 = 25, तो 12 कार्ड से आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो बस यही नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, 1, 4 और 9। 1 से लेकर 12 तक के सारे कार्ड्स में 1, 4, 9 ही परफेक्ट स्क्वायर, 3 नंबर्स हैं ये। तो इन तीनों में से किसी के आने के चांसेस कितने हैं टोटल 12 कार्ड में से, तो हम कहेंगे 3/12, क्योंकि ये 3 हैं, टोटल स्पेस जो है, टोटल आउटकम्स 12 है, 12 कार्ड्स हैं और इन तीनों के आने के चांसेस 3 हैं, तो 3/12। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो 1/4 हो जाएगा ये। अच्छा जी, 5 पार्ट में कह रहे हैं नेगेटिव नंबर आने के चांसेस कितने हैं। जब हमने कार्ड डिज़ाइन किए थे तो उन पे मार्क किया था 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स, और उसमें कोई नेगेटिव नंबर हमने उसमें मार्क नहीं किया था, तो नेगेटिव नंबर आने के चांसेस 0 हैं। टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल स्पेस जो है वो 12 है, तो 0/12 यानी 0 चांसेस हैं। इन 12 कार्ड में नेगेटिव नंबर आने के चांसेस 0 हैं। तो ये 5 पार्ट भी हो गया इसके अंदर। अब आ जाते हैं 6 पार्ट में, अ नंबर लेस देन 13, 13 से लेस देन कोई कार्ड अगर जब हम पिक करते हैं रैंडमली और हमें पता नहीं, हम आँख बंद करके ब्लाइंडली हम कोई कार्ड पिक करते हैं, तो वो नंबर आने के चांसेस कितने हैं जो 13 से लेस देन होंगे। अब ये सारे कार्ड 1 से लेकर 12 तक, ये सारे कार्ड लेस देन 13 हैं, तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो आने के चांसेस जो उनके प्रोबेबिलिटी है वो 12 है और टोटल स्पेस भी 12 है, तो 12/12, यानी इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर के तौर पे, और जो आउटकम या टोटल स्पेस है वो नीचे लिखेंगे। हर पार्ट में हमने इसी तरह किया है। तो 12/12 का मतलब होगा 1, तो इसका मतलब है 1 है। वो सारे कार्ड जो 13 से लेस देन होंगे उनके आने के चांसेस कितने हैं उसको हम कहेंगे 1। तो ये था आज का कंप्लीट क्लास आपके लिए, और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।